दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। यदि आप भारतीय स्टेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो भी बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के तो अब ये संभव है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में अब बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के आप जो है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकेंगे। लेकिन इसके लिए क्या कुछ शर्तें रखा गया है, क्या कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को पता होगा कि रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलते ही हैं। अगर हम सेविंग अकाउंट के बारे में बात करें तो सभी सेविंग अकाउंट पर जीरो बैलेंस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। जीरो बैलेंस कहने का यह मतलब है कि महीना में आप कितना भी मेंटेन करके चलो या फिर अपने खाता पर जीरो बैलेंस रखो फिर भी आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर जो है SBI की तरफ से रेगुलर सेविंग अकाउंट वाला फैसिलिटी मिलती थी, अब इसके अलावा स्मॉल सेविंग अकाउंट वाला फैसिलिटी भी मिलेगा। यहाँ पर अगर आप स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं और आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप इस स्मॉल सेविंग अकाउंट को SBI में खुलवा सकती हैं। लेकिन यह अकाउंट खुलवाने के लिए आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट यहां पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो आखिर में यह अकाउंट कैसे खोले जाएंगे। यदि आप SBI के स्मॉल सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहती हैं तो बैंक अधिकारी के पास आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और हस्ताक्षर या अंगूठे का इम्प्रेशन जमा करना होगा। अब दोस्तों इसके साथ क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम आपको बता देती हैं। इसमें जो आपको ATM कम डेबिट कार्ड जो दिए जाएंगे वो बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि SBI के स्मॉल अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस रखने की झंझट तो नहीं है, लेकिन इस अकाउंट में अधिकतम 50,000 रुपए ही रख सकती हैं। ब्याज दर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जिस तरह से रेगुलर सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज दर हैं उसी अनुसार से इसमें भी आपको ब्याज दर मिलेंगे। यानी कि जितना प्रतिशत नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसमें मिलता है उतना ही प्रतिशत आपको इसमें भी मिलेगा। ATM फ्री मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यहां पर ATM मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी ATM से जाकर फ्री में कैश विड्रॉ कर सकेंगे। तो जिस तरह से आप लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट में पैसा डिपोजिट करती है और विड्रॉ करती है उसी तरह के फैसिलिटी आपको इसमें दिए जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसमें ATM कम डेबिट कार्ड मिलेंगे जिससे आप कैश विड्रो कर सकेंगे किसी भी ATM में जाकर। अगर हम इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बात करें तो इसमें इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वाला सारा सुविधा आपको मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा बात यहां पर यह है कि अगर आप इस अकाउंट को बाद में चलकर बंद भी करवाना चाहती हैं तो यहां पर बंद करवाने का चार्ज कोई भी नहीं लिया जाएगा। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस अकाउंट को बहुत ही आसानी पूर्वक बंद करवा सकती हैं जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ATM कम डेबिट कार्ड वाला फैसिलिटी, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग या फिर फंड ट्रांसफर वाला फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यानी कि ये सारा फैसिलिटी जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, सारा सर्विस आपको इस प्रकार के बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब दोस्तों इसके लिए कुछ शर्त रखा गया है, इसके बारे में हम आपको बता देती हैं। SBI के मुताबिक इस अकाउंट में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस नहीं रख सकती हैं। वहीं विड्रोवल और ट्रांसफ़र एक महीना में आप मात्र 10,000 रुपये ज्यादा नहीं कर सकती हैं। अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट के बारे में बात करें तो आप वित्त वर्ष में 1,00,000 रुपए से ज़्यादा क्रेडिट इस अकाउंट में आप नहीं कर सकती हैं। वित्त वर्ष जैसे ये होता है कि इस साल के मार्च महीने से अगले साल के मार्च महीना ये होता है वित्त वर्ष, तो ये वित्त वर्ष में आप जो है इस अकाउंट में 1,00,000 से ज़्यादा क्रेडिट नहीं कर सकती हैं। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा बैलेंस और 1,00,000 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट होने पर आपको KYC का प्रक्रिया तुरंत इसमें कंप्लीट करना रहेगा। अब दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट में महीने में आप जो है कितना बार अमाउंट जो है विड्रॉ लगा सकते हैं। यहां पर मैं बता दूं कि आप इस अकाउंट में 4 बार से ज्यादा विड्रॉ नहीं लगा सकेंगे। इसके लिए मैं बता दूं कि आप चाहे SBI के ATM से जाकर विड्रॉ लगाते हैं या फिर किसी दूसरे बैंक के ATM में जाकर विड्रॉ लगाते हैं या फिर आप जो है इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर ब्रांच में जाकर आप कैश
निकालती हैं तो महीना में 4 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, यानी कि 4 बार ही विड्रॉ कर पाओगे, इससे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के हम SBI का यह मिनी अकाउंट ओपन करवाएं, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देना है और उसके बाद अगर आप सिग्नेचर करती हैं तो सिग्नेचर कर देना रहेगा, या फिर आप जो है अपना थंब लगाती हैं तो थंब लगाना रहेगा, और फाइनली आपका SBI में मिनी सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसमें मैंने पूरे बेनिफिट के साथ आपको बता दिया क्या क्या कुछ मिलेगा। यदि आप चाहेंगे कि इसी अकाउंट को हम रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करें, जिससे हम और ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सके और हमारे ऊपर इस तरह के लिमिट ना रहे, तो आप जो है KYC को कम्प्लीट करके कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट को देकर उसमें जो है अपना लिमिट बढ़ा सकते हैं, यानी मिनी सेविंग अकाउंट से आप जो है रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस सेविंग अकाउंट को हम कहां पर जाकर ओपन करवा सकते हैं, तो आप जो है SBI के किसी भी ब्रांच में जाकर आसानी पूर्वक इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो वे ही चक कमेंट करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।